हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस 14 या आप कह सकते हैं नॉर्मली बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो पूरे इंडिया को दिखता है, और यहाँ पे लास्ट डिसीजन कहीं ना कहीं जो बिग बॉस में बैठे लोग हैं उनके पास होता है कि उन्हें वो पब्लिश करना है, टीवी में दिखाना है या नहीं। आपको पता है राहुल और हम देखें तो जान कुमार सानू की कुछ दिनों से नहीं बन रही है, लड़ाई चली रही है, मुँह से वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहे। कल दिन हमें देखने को मिला कि जान कुमार सानू काफ़ी चिढ़े हुए थे निकी से भी और राहुल से भी, और वहीं निकी जो है मराठी में बात करने लगी और मराठी में वो बात करी थी राहुल से, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जान कुमार सानू को कि वो किसके बारे में बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, क्या बात कर रही है। तो वहीं हमें देखने को मिलता है कि जान कुमार सानू जोर से कहते हैं कि निकी तुम जो है मराठी में बात मत करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मराठी में बात करो, जब तुम मराठी में बात ना करो क्योंकि जब तुम मराठी में बात करती हो तो मुझे चिढ़ मचती है, और तुम्हें बात करनी हो तुम हिंदी में बात करो वरना ना करो। तो ये शब्द जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बुरे लग गए हैं, और यहाँ पे मराठी से रिलेटेड जुड़े शिवसेना से रिलेटेड जुड़े लोगों को बुरी लग गई है, और इसी बात पे जो है कहीं ना कहीं कलर्स टीवी ने जो है वो माफ़ी भी मांगी है जितने भी मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र में लोग रहते हैं जिन्हें इस पर्टिकुलर वीडियो से, पर्टिकुलर जो बात वहाँ पे जान ने कही उससे किसी को भी अगर दिक्कत है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले एपिसोड्स में हम इसे नहीं दिखाने वाले। तो इसके आप कह सकते हैं कि जान कुमार सानू की वजह से कहीं ना कहीं बिग बॉस की जो मेकर्स है कलर्स टीवी है उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ी है, और ये जो माफ़ी थी ये इस बात पे थी कि जान ने कैसे कह दिया कि भाई जब तुम मराठी में बात करती हो तो मुझे चिढ़ मचती है। वेल अब बिग बॉस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होती ही रहती है, लैंग्वेज को लेकर के, कभी गालियों को लेकर के, कभी कुछ तो कभी कुछ। वेल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या है क्या कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।